कुछ क्वेश्चन बनाबे छिए ट्रिग्नोमेट्री से लका कला पढ़ने रहिए लका कला पहला एगो क्वेश्चन बनबे छिए सात सात टेन थीटा बराबर चार तो सात साइन थीटा माइनस तीन कॉस थीटा बटे सात साइन थीटा प्लस तीन कॉस थीटा एकर मान निकाले का मान निकाले क्वेश्चन पढ़ो फिर से सात टेन थीटा बराबर चार तो सात साइन थीटा माइनस तीन कॉस थीटा बटे सात साइन थीटा प्लस तीन कॉस थीटा का मान निकाले चलो केना बनेबे लका कला पढ़ने छी तभी बनते लका कला मतलब त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार टेन के उल्टा कॉट हो जाते कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब छह सूत्र अगर अतः तभी बनते नहीं तो नहीं बनते तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखबे प्रश्न से सात टेन थीटा बराबर कते देने छह चार टेन थीटा का लग के लेबे सात को पढ़े ने गुणा में चुने जेते भाग में चले तब चार बटे सात बतेने रे टेन थीटा सूत्र की होय छे लंब बटे आधार चलो तो लंब बराबर लंब के सीधा सीधी के छे चार लगबे कौन चीज छे के आधार बराबर सीधा सीधी के छे सात लगबे की छे के लंब और आधार त्रिभुज के तीन भुजा लंब आधार एगो आर की छे कर्ण कर्ण नहीं देल छे के आबि गेले पाइथागोरस सूत्र से पाइथागोरस जी हर जगह पहुंच जाय छे जैन समकोण त्रिभुज होय छे पाइथागोरस जी आबि जाय छे पाइथागोरस सूत्र से की निकालबे हो कर्ण कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोर आधार स्क्वायर यह मैंने बोली सूत्र हम बताने अच्छी याद छे तब तो ठीक छे नहीं याद छे कोई बात नहीं छे तब तो बनवे नहीं करते कहिए ना बनते तब चार के स्क्वायर प्लस सात के स्क्वायर सूत्र तो याद रखे पड़ते सूत्र छे तो ढेरी नंबर छे सूत्र नहीं छे तो कुछ नहीं छे चार चौके सोलह के स्क्वायर प्लस सत्ते उनचास के स्क्वायर चलो जोर आवे छो जोरो नौ छ पंद्रह पांच बाकी एक चार एक पांच एक छः पैंसठ के स्क्वायर पैंसठ नहीं निकले छे रूट से पैंसठ पाँच सौ तेरह जोड़ा नहीं मिले नहीं निकले तो रूट में रह गए पैंसठ लेकिन के स्क्वायर से के निकल जेते तो रूट पैंसठ के कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं छे ठीक छे चलो अब क्वेश्चन के ध्यान से देखब आई में साइन छे कॉस छे साइन छे कॉस मतलब साइन और कॉस छे तो साइन और कॉस निकल ले साइन थीटा बराबर लंब बटे कर बराबर लंब कते छे हो चार के और कर्ण कते निकाल लिया है रूट पैंसठ के कटी गले बराबर चार बटे रूट पैंसठ कौन चीज मन निकल लें साइन थीटा के आप कौन चीज निकालबे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बराबर आधार कत छे हो सात के बटे मा रूट पैंसठ के कटी गले सात बटे रूट पैंसठ साइन थीटा कॉस थीटा निकल गले अब हमरा जे मोन निकाले चोकरा लिख लेबे अब सात साइन थीटा माइनस तीन कॉस थीटा बटे सात साइन थीटा प्लस तीन कॉस थीटा चलो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल ले छिए अब जब वैल्यू निकाल ले तो कर मोन डाले पड़ते डाले छे चलो बराबर सात गुना साइन थीटा का मोन चार बटे रूट पैंसठ प्लस में प्लस नहीं छे माइनस तीन गुना कॉस थीटा के मोन
सात बटे रूट पैंसठ बटे सात गुना साठीटा चार बटे रूट पैंसठ आवरी प्लस है तीन गुना सात बटे रूट पैंसठ की रहे ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना होइन छ चलो सचौके अट्ठाईस बटे रूट पैंसठ माइनस इक्कीस बटे रूट पैंसठ बटे में सचौके अट्ठाईस बटे रूट पैंसठ प्लस इक्कीस बटे रूट पैंसठ चलाव ऊपर और नीचे दोनों से भिन्नक जोड़ बताओ रूट पैंसठ रूट पैंसठ कैल्सियम रूट पैंसठ भाग दो रूट पैंसठ रूट पैंसठ कट गए कतना बचले अट्ठाईस माइनस इक्कीस बटे फिर एक एलसीएम कते रूट पैंसठ देख लो रूट पैंसठ कैल्सियम रूट पैंसठ ऊपर में अट्ठाईस प्लस इक्कीस दूसरा चौथा कट जाए घटाब अट्ठाईस में इक्कीस गए सात बटे में आठ एक नौ दू दू चार सात एकम सात सत उनचास ढेर लोग की करिए सात से सात बार काटे आंसर बराबर सात लिखे गलती है ऊपर में भी एक है आंसर की हेतु एक बटे सात बोर्ड के क्वेश्चन के पूछल का क्वेश्चन है अब इनको क्वेश्चन तो बन जेते ले वो क्वेश्चन घर बाद में ट्राई कर लिया एक क्वेश्चन लिख दे बाद में ट्राई करियो तब तक आ क्वेश्चन बनबेबे क्वेश्चन छे टेन थीटा बराबर चार बटे तीन टेन थीटा बराबर चार बटे तीन तो थ्री साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा बटे थ्री साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा का मान निकाले एक बना लियो चलो अब एगो और बात है मन साड़ी पढ़ लेने रही बनब सीख लेने रही कि केना मन साड़ी अपनों से बनाल जाए अब ओकरा पर क्वेश्चन बनेब चलो एगो क्वेश्चन लिखे छी टेन स्क्वायर सात डिग्री प्लस फोर साइन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री प्लस थ्री सेक स्क्वायर तीस डिग्री प्लस फाइव कॉस स्क्वायर नब्बे डिग्री बटे में छे कॉस एक तीस प्लस सेक साठ कॉस एक तीस प्लस सेक साठ माइनस कॉट स्क्वायर तीस डिग्री कॉट स्क्वायर तीस डिग्री आप ही क्वेश्चन का जब तक अपना पास मौन नहीं याद रहते मौन सारणी के मौन याद नहीं रहते तब तक अपनों से क्वेश्चन नहीं बनते सबसे पहला मौन सारणी में मौन पता करबे कि केकर कते होइ छे तो सबसे पहले चलो टेन साठ के मौन टेन साठ के मौन की है रूट तीन स्क्वायर स्क्वायर लगा दिली प्लस चार गुना साइन पैंतालीस के मान वन बाय रूट टू हुए साइन पैंतालीस के मान वन बाय रूट टू स्क्वायर से स्क्वायर लगा दिली प्लस तीन गुना सेक तीस के मान कॉस तीस के मान है रूट तीन बाय टू तो सेक तीस के मान उल्टा तो दू बटे रूट तीन दू बटे रूट तीन के होल स्क्वायर प्लस पांच गुना कॉस नब्बे के मान जीरो जीरो के स्क्वायर भाग ले यहां तक नीचे मारो कॉस एक तीस साइन तीस के एक बटे दू कॉस एक उल्टा है तो सिर्फ दू प्लस सेक साठ
कॉस 60 के दू सॉरी 1/2 तो सेक 60 के दू माइनस कॉट 30 कॉट 30 के मान कॉट 30 के मान रूट 3 होइ छे और वहां स्क्वायर भी छे स्क्वायर मान सारणी याद छे मान डाल देली अब कैलकुलेट कर देबे सरल एकरा करबे बस होइ गेले आंसर आ जते रूट 3 की स्क्वायर 3 प्लस 4 गुना 1/2 1 के स्क्वायर 1 रूट 2 की स्क्वायर 2 प्लस 3 गुना 2 की स्क्वायर 4 रूट 3 की स्क्वायर 3 प्लस 5 गुना 0 बटे 2 जोड़ 2 4 और माइनस रूट 3 की स्क्वायर 3 चलो 2 से काटो क्या बार मां 2 बार 3 3 कटिन गेला भए गेले 3 प्लस 2 एक कम 2 प्लस 4 प्लस 0 बटे में 4 में 3 गेले 1 3 2 5 4 9 9 में 0 जोड़बे तो 9 बटे 1 लिखना जरूरी नहीं छे तो यहां की भए गेला अपन आंसर भए गेले एनाई क्वेश्चन बने छे चलो एगो और मन सारनी वाला क्वेश्चन बना लेबे ओके बाद आगू पढ़बे चलो क्वेश्चन छे पांच कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री चलो एकर मान निकाले की हेते मान पहिने याद छे तभी बनतै 5 आगू छे 5 कॉस 60 के मान 1/2 के होल स्क्वायर कहने यहां स्क्वायर छे प्लस 4 गुना सेक 30 के मान 2/√3 मान याद छे बन जेतै ना याद छे नहीं बनतै माइनस 10 45 के मान 1 के होल स्क्वायर बटे म sin स्क्वायर 30 डिग्री छे sin 30 के मान 1/2 के होल स्क्वायर प्लस cos 30 के मान √3/2 के होल स्क्वायर एगो बात और याद रखे छे बोर्ड में तय तेका डायरेक्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दे एते लिखे जरूरी नहीं छे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री दोनों थीटा के मान की छे सेम छे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 डायरेक्ट 1 लिखो ज्यादा उतने कुछ करे कोई चीज 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1 बटे में 1 लिखना जरूरी नहीं है कई भाग ले 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 चलो एकरा हम कुछ नहीं तो 4 3 1 के लघुत्तम 4 3 है 12 4 3 3 बार में लागले 3 गुना 5 5 3 15 प्लस छेद प्लस 3 से 12 के बार में 4 बार में 16 चौकी 64 माइनस 1 से 12 के खेप में 12 बार में 12 गुना 1 12 बराबर 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटे में 12 बराबर 9 2 गेले 7 7 में गेले 6 67 बटे 12 यह अपन आंसर भए गेले बस बनाए देख छे नंबर मिल जेते कोई दिक्कत नहीं छे चलो अब एगो नया क्वेश्चन छे नया टाइप छे ओकरा बनेबे क्वेश्चन के ध्यान से देखबे क्वेश्चन यदि 10 बराबर 1 tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1/√2 और sin b बराबर 1/√2
तो cos a प्लस बी का मान ज्ञात करें, तो cos a प्लस बी का मान ज्ञात करें। चलो कोई दिक्कत नहीं है बनवे। तेल की जो क्वेश्चन tan a बराबर a लिखो प्रश्न से, प्रश्न से tan a बराबर a। अब ध्यान दीजिए tan a ने छे ना, ये tan में खोजब कि एक कत्ते डिग्री पर मिले छे, tan में एक कत्ते डिग्री के मान होय छे, तो tan 45 बराबर एक होय छे, एकरा लिख दो या tan a बराबर tan 45 डिग्री। बैगले क्वेश्चन बैगला है जो इतने को ट्रिक रहा है, tan tan हटी गेले a बराबर 45 डिग्री। चलो तथा साइन बी बराबर 1/√2। हमें नहीं बोली थी प्रश्न में देर चाहे साइन बी बराबर 1/√2 की कर बो साइन बी लिखी दलिए खोजो साइन में 1/√2 का तड़िली पर साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/√2 तो 1/√2 की जगह आप की लिख दे भाई साइन 45 डिग्री। साइन साइन हट गेले बी बराबर कते है 45 डिग्री। अब की निकाले छे cos a प्लस बी बराबर cos a के मान 45, a के मान कते है 45, b के मान कते है 45, तो 45 प्लस में 45 डिग्री cos 45 और 45 90 cos 90 का मान, cos 90 का मान 0 sin 90 का मान 1 cos 90 का मान 0 sin 0 का मान 0 cos 0 का मान 1 sin sorry cos 90 का मान 0 आंसर की कोई दिक्कत रही की। अगला क्वेश्चन फिर यही ढंग के क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछल का क्वेश्चन है, देखो करना पड़ता है। छह यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इधर छे, तो साइन 75 का मान क्या होगा, साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। चलो देखो क्या बनते, कोई दिक्कत नहीं छे। चलो इधर लेन छे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन 75 के मान पूछे लिखब साइन 75 डिग्री बराबर साइन बराबर साइन एक दू भाग में तोड़ 45 प्लस 30 45 के मान पता है 30 के मान मान सानी 45 30 दोनों आवे छे, तो वही दू भाग में तोड़ब जे कि मान सानी आवे साइन 45 डिग्री प्लस सॉरी साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री तोड़ दलिए। अब यहाँ पर लिखल छे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये भए गेले ए ये भए गेले बी, आब एकरा फॉर्मूला बैठाबो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसीलिए चूंकि दिल चाहिए इसीलिए साइन 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री बराबर ए चिके ई बी चिके, ए के जगह 45 और बी के जगह 30, साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस
cos 45 into sin 30. Sin 45 के मान. Sin 1 by root 2. Cos 30 के मान. Root 3 by 2. Plus. 1 बटे root 2. Sin 30 के मान. 1 बटे 2. बराबर. Root 3 बटे 2 root 2. Plus 1 by 2 root 2. ऊपर ऊपर गुना नीचा नीचा गुना हो गए. LCM 2 root 2. LCM 2 root 2. कोई दिक्कत? अब यहाँ पर root 3 plus 1. कोई दिक्कत नहीं है? देखो एक और परमेयीकरण. परमेयीकरण भले जे root में चक्रास गुना क्या तो ऊपर नीचे दोनों. तो root 2 ऊपरो root 2 नीचे. root 2 गुना root 3 तो root root से गुना हो जाए तो root हो जाए बरका. 3 गुना 2 प्लस 1 गुना root 2 root 2 बटे में 2 बाहर इन छे root 2 गुना root 2 2 बराबर root 6 प्लस root 2 बटे में 4. आंसर भाग लो. यहां भी आंसर छोड़े पा रहे लिए कोई दिक्कत नहीं रहे. परमेयीकरण कह दिलिए तू सबसे अच्छा. हर का परमेयीकरण पढ़ने छी. हर का परमेयीकरण आई ढंग से मौन सारणी पर आधारित क्वेश्चन बना ले छी. चलो एक और चीज पढ़ने रही है. एक और चीज पढ़ने रही है 90 वाला रिलेशन ओकर कुछ क्वेश्चन बनाबे छी. सब बोर्ड के पूछल का क्वेश्चन रहता है. चलो क्वेश्चन से देखो. tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री. यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री तो a का मान ज्ञात करें. बोर्ड के क्वेश्चन छे की छे tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री तो a का मान ज्ञात करें. और यो दिल छे कि जहां 2a जो है 2a जो है वो क्या है न्यून कौन है. 2a क्या है न्यून कौन है. न्यून कौन मतलब 90 से छोटा है. कोई बात नहीं छे. चलो क्वेश्चन याद दिल छे लिखवे प्रश्न से. tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री. यहां तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए. अब अपन और पढ़ने रही है 90 वाले रिलेशन में tan का रिलेशन cot के साथ sin का रिलेशन cos के साथ sec का रिलेशन cos एक के साथ. तो यहां पर हम एकरा मान लो tan थीटा. tan 2a छे तो की मान लो tan थीटा. तो tan थीटा बराबर सूत्र छे tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा. इस सूत्र छिके ठीक. तो वही पर tan 2a tan 2a tan हटले cot ले cot हटे छे जहन cot आबे छे वे 90 माइनस के साथ आबे छे 90 डिग्री माइनस. अब यहां पर थीटा जगह 2a छे a ने लिखबाय 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री. चलो cot cot दोनों साइड हट जाता है. cot cot दोनों साइड्स की होता है हट जाता है. 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री. अब यहां पर एक एक साइड कर लेबे और डिग्री वाला का एक साइड कर देबे तो माइनस 2a और प्लस एक निकाल लिए तो माइनस a बराबर माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री. कोई दिक्कत छह? माइनस माइनस जुटता है और माइनस का साइन होता है तो माइनस 2a 3a बराबर माइनस 90 10 108 डिग्री. इन 9 माइनस इन 9 माइनस कट गेला है. a बराबर 108 डिग्री बटे 3. 3 से कटबे 3 3 9 1 8 3 6 18 की भगले हो
36 डिग्री लिख दे अतः ए बराबर 36 डिग्री आंसर कोई दिक्कत नहीं है। अगला यही टाइप का एगो क्वेश्चन बनबे तो ट्रैक रहो साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री जहां 3a क्या है न्यून कोण है 3a क्या है न्यून कोण है तो a का मान निकालें। चलो सेम क्वेश्चन से देख लो टेन टू ए कॉट ए माइनस 18 साइन 3a कॉस ए माइनस 26 कोई बात नहीं क्लिक किया है प्रश्न से की लिख लिया प्रश्न से साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री तुरंत अभी 90 वाला रिलेशन में साइन के साथ रिलेशन कॉस के साथ साइन एक बदल दे एक बदले में तनिको छे एक बदले पड़ी छे लेकिन एक बदले सच्चा छे एक बदल बेजी छे एक साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा जगह पर 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री कॉस कॉस हट गया 90 माइनस 3a बराबर ए माइनस 26 डिग्री चलो माइनस 3a प्लस ए लेता माइनस ए बराबर माइनस 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 4a बराबर 6 9 2 11 माइनस 116 डिग्री एक बार और देख ले 6 9 2 11 116 डिग्री माइनस माइनस कटी गेलै ए बराबर 116 डिग्री बटे में 4 से 4 दूनी 8 4 नमा 36 कते डिग्री हो गेले हो 29 डिग्री अतः ए बराबर 29 डिग्री आंसर क्वेश्चन में गेलै ठीक छै तब